हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो रीडिंग हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की, नेक्स्ट 12 आवर्स की करंट एनर्जी। नेक्स्ट 12 आवर्स तक ये पर्सन क्या फील करने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है, तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें मैं अभी से लेकर नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर ही उनकी करंट एनर्जी देखने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है, जो साइन मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस। एंड बहुत स्ट्रांगली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, DMDF एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। एरीज, टॉरस, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, सजिटेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन गाइडेंस। हो सकता है कि यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हो या फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं जो हमारे महादेव के भक्त हैं, हमारे भोले बाबा का भक्त है। और मैं आपको सच बताऊँ, भोले बाबा जी के ऊपर दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, आपके सारे ग्रह नक्षत्र तो कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है, तो इन बाबा को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 12 घंटे के अंदर आपके पर्सन मंदिर जाएंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी वो फील करेंगे, ठीक है। मुझे उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होने लगे हैं स्लोली स्लोली। पहले नहीं थे, लेकिन अभी शायद टाइम के साथ स्पिरिचुअल होने लगे हैं। और यहाँ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही वो चुपचाप रहेंगे। जो उनके दिल में है वो उसको एक्सप्रेस करना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आज कहीं ना कहीं बहुत कम एक्सप्रेसिव रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी बातों को बहुत ज़्यादा वो ओपनली किसी के सामने नहीं रखेंगे। वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये सारी बातों को लेके वो अपने दिल पे ही रखेंगे, वो ज़्यादा किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे या फिर एक्सप्रेसिव मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, अगर दिल ही दिल में चीज़ें रखेंगे तो दिल ही दिल में सोचेंगे क्या, जो कि मुझे लग रहा है कि मेमोरीज आज बहुत ज़्यादा ही आप दोनों की जो पुरानी मेमोरीज है, पुरानी बातें हैं, पुराने ईयर्स की फ़ोटोज़ है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको कहीं ना कहीं बहुत खाएगी अंदर ही अंदर से। वो बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को लेके अंदर ही अंदर से सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक जो होती है जो मेमोरीज होती है ना, ये बड़ा ही तड़पाने वाली होती है, ये बहुत तकलीफ़ देने वाली होती है, क्योंकि आप किसी को अगर खो देते हो तो कुछ समय के बाद वो पर्सन से आप मिलते नहीं हो या फिर आपको वो पर्सन मिलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो मेमोरी के सहारे ही एक इंसान ज़िंदा रहता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है, मुझे अगले 12 घंटे के अंदर आप ही के याद, उनको आपकी याद बहुत आती हुई दिख रही है, मेमोरी बहुत उनके दिमाग में जो है वो चलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई है, एक फ्लैशबैक की तरह, एक सडन सडन इमेज की तरह उनकी आंखों में वो चीज़ आएगी, उनके दिमाग में वो चीज़ आएगी, वो चाहे सोचना चाहे ना चाहे वो उस चीज़ को बार 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 सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर उनकी मदर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, उनकी मदर हो सकता है कुछ लोगों की है ही नहीं और कुछ लोगों की मदर जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है। लेकिन उस कुकन से या फिर उस शेल से बाहर निकल के मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आज आपके साथ भी वो कनेक्शन फील करेंगे, जैसे एक मदर के साथ, एक नियरर एंड डियरर के साथ फील होता है, जैसे एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, एक प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, उस तरीके से मुझे दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेड आज फील करेंगे, या फिर इतना ज़्यादा आपकी जो एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रेस चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, एम्प्रेस एनर्जी मतलब ये कि एक अपनापन जिसको बोलते हैं, वो अपनापन एनर्जी जिसके पास आप बहुत सिक्योर महसूस करते हो, जिसके इर्द गिर्द आप बहुत एक ऐसी
फीलिंग्स आपकी रहती है, जैसे बहुत अच्छी फीलिंग्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आज आपके लिए वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा फील करने वाले हैं, वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग में आने वाला है आपके लिए, आपके अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द अगर वो रहेंगे तो उनको अच्छा फील होगा। जैसे किसी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या फिर किसी से हम पॉजिटिव कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, तो आपके पार्टनर का मुझे वही सिचुएशन दिख रहा है। वो कंटिन्यूअसली आपके साथ आपसे पॉजिटिव होते रहेंगे, आपसे उनको अच्छी वाइब जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर मैं देखूँ नेक्स्ट एनर्जी अगर मैं देखूँ तो अगर आपने इन पास्ट उनके लिए कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बड़ा कुछ सक्रिफाइसेस किया होगा तो आज वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही याद करने वाले हैं। हो सकता है कि सामने ऐसा चीज़ आ जाए कि कोई और आ जाए जो उनके लिए वो चीज़ ना करे जो आपने इनके लिए किया है। तो वो इंसान जब इनके लिए वो काम नहीं करेगा या फिर नहीं करेगी तो ऑफकोर्स जो है जो जिसने किया है उसकी याद आएगी, तो आपने तो किया है तो आपकी याद आपके पार्टनर को कैसे ना आए, ज़रूर आपकी याद आएगी, ठीक है। तो बोलने का यही सिर्फ बात है कि आपने जो भी इनके लिए किया है वो बिल्कुल भी वेस्टेड नहीं जाएगा अगले 12 से 14 घंटे के अंदर। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में आपकी मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। आपकी जो है जो आपने इनके लिए किया है वो उसको बहुत स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज करेंगे और पछताएंगे भी, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैंने तो नहीं कर पाई मैं ये वो, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि विद दिस डिवाइन मेल आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं देखो डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मेल, अगर आपके पर्सन स्पेशली एक मेल पर्सन है तो उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी चेंज आएगी या फिर एक डिवाइन चेंज ज़रूर आएगी। वो आपकी एक डीएम डीएफ की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जो डीएम डीएफ होते हैं ना वो थोड़े टफ होते हैं, लेकिन हमारे महादेव भी तो डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। शिव पार्वती आपको पता ही होगा, शिव शक्ति, तो हमारे महादेव और माता पार्वती से ज़्यादा कौन जो है यहाँ पे दुनिया में जिनकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी, वही लोग तो DMDF है। तो अगर आज उनका 12 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर अगर उनका डीएम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी स्ट्रांग होती है, नो मैटर ये मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर कोई भी हो, वो उस चीज़ की वजह से अग्रेसिव होना, आपके ऊपर गुस्सा होना या फिर आपके साथ रूड होना वो सब नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे। आज जो भी उनके दिमाग में बात आएगी वो उस चीज़ को लेके एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को लेके मोर ओवर चुप ही रहेंगे। उस चीज़ को लेके उनके वो उनका जो दिमाग है वो मोस्टली शांत ही रहेगा, वो ज़्यादा कुछ जो है नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब आज वो दिल दुखाने वाला काम नहीं करेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आज वो आपका दिल दुखाएंगे या फिर वो किसी और का दिल दुखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, कोस्ट बहुत ज़्यादा आपको करने वाले हैं। आप चाहे कितना भी अपने आप को छुपा लो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, आज आप अपने आप को ज़रूर छुपाओ, क्योंकि आपको जब पता है कि सामने वाला मुझे देखने के लिए आ रहा है तो आप थोड़ा ओपन हो के थोड़ी रहोगे। अगर वो देख रहे हैं और आप उनको दिखा रहे हो दिस इज़ माई लाइफ, या फिर और उनको क्यूरोसिटी क्या रहेगी, कुछ भी क्यूरोसिटी नहीं रहेगी, एक्स्ट्रा वो कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। तो आज जो है अपने आप को थोड़ा छुपाने की ज़रूर कोशिश करो ताकि वो आपको थोड़ा ढूंढे, वो आपके लिए सही सेम चीज़ फील करे जो आप उनके लिए फील कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आज अपने आप को रखो शील्ड करके। नेक्स्ट है सोलमेट एनर्जी, क्यों ये पर्सन आज सोलमेट एनर्जी फील करेंगे, क्यों वो आपको देखने के लिए आएंगे, क्योंकि वो सोलमेट एनर्जी फील करेंगे। देख रहे हो ठंडी ठंडी दिन है, एक होता है ना एक नॉस्टैल्जिया होता है कि सर्दी में साथ हो बात हो, ठीक है। तो इस तरीके की सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज कितनी भी सर्दी हो जैकेट पहन के आएंगे और ऑनेस्टली जैकेट के साथ फ़ोटो खींच के छोड़ेंगे, ये वो करेंगे। और दूसरा जो है वो देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है। अगर आप आमने सामने मिलते हो तो आज आप उनको एक जैकेट में एक
एक ठंडी वस्त्र परिधान करते हुए आप जरूर उनको देखोगे। ठीक है, खैर जो भी हो, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा ये पर्सन आज इमोशनल जरूर होंगे, इसीलिए ही वो आपको स्टॉक करेंगे। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा उसको फील नहीं होता है, तो वो चीजों को लेके इतना कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आज जरूरत से ज्यादा आपकी जरूरत महसूस होगी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही कंसर्न आपके लिए फील करेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। अगले 12 घंटे के अंदर आपके पर्सन के आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, करेंगे क्या इस रिश्ते में, उनके एक्शन क्या रहेंगे। हे प्रभु, हमें जरूर आप आंसर दीजिए, जरूर हमें आप बताइए। ओके, तो यहाँ पे अगले 12 घंटे में और क्या होगा, देखिए, अगेन एंड अगेन टू ऑफ कप सोलमेट एनर्जी एक डेक से आया था, दूसरे डेक से भी टू ऑफ कप्स मतलब सोलमेट एनर्जी आया है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज आप दोनों के रिश्ते को किसी थर्ड पार्टी की नज़र ज़रूर लगेगी, तो आज अपने रिश्ते को जितना हो सके आपको छुपा के रखना है, बचा के रखना है। प्यार फील होगा, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, अगले 2 से 4 घंटे के अंदर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही प्यार आपके लिए फील होगा। ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपसे बात करने के लिए, ये अपने आप को मतलब टोक नहीं पाएंगे कि तुमसे बात ना करूं। प्यार फील होगा 110%, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और दूसरा कहीं बैठा है और जो कि आपके रिश्ते को नज़र लगा रहा है, जो कि एक अच्छी उनकी वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, या फिर मदर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी उनकी बिजनेस पार्टनर हो सकती है, फाइनेंशियली किसी तरीके से जुड़ी हुई है, जो कि एक अथॉरिटी पोजीशन में भी हो सकता है या फिर हो सकती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को मुकम्मल कोई थर्ड पार्टी करने नहीं देना चाहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है अगर आप दोनों का एक अच्छा कनेक्शन है, अगर आप दोनों मिल जाते हो एक दूसरे के साथ, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता आप लोगों को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब थर्ड पार्टी को ये चीज़ पता है, तो वो क्या करेगी, वो दूर बैठे नज़र लगाने की ही कोशिश करेगी। तो ये जो नज़र लगाने की चीज़ मुझे आपकी थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रही है, वो मोस्टली ये लग रहा है कि उसकी नज़र के वजह से आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आज ज़रूर कोशिश करें कि किसी को ज़्यादा ना बताए अपने रिश्ते के बारे में, और अपने रिश्ते को आज प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखिए। ठीक है, रिश्ते को प्रोटेक्ट आपको करना ही पड़ेगा, और रिश्ते को कैसे प्रोटेक्ट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है नज़र। नज़र लग जाती है ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो जितना हो सके आज जो है किसी को बताना मत कि हमारे बीच में अच्छा क्या चल रहा है, बुरा क्या चल रहा है, बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को अपने आप तक रखो, बिल्कुल ठीक आंसर ठीक जो है वो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है द डेविल एनर्जी। आप देख सकते हो आपके पर्सन आज सेक्सुअल एनर्जी आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा हाई फील करने वाले हैं। ठीक है, उनका मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि चाहे आप दोनों की बात हो ना हो, एक लेवल की सेक्सुअल एनर्जी, एक एक स्ट्रॉन्ग लेवल का सेक्सुअल एनर्जी उनको फील होगा, रोमांस वो करना चाहेंगे। दूसरा चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रही है, वो ये कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, ये आपके ऊपर आज से नज़र नहीं हटाएंगे। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, ये आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि आप कर क्या रहे हो, आपकी ज़िंदगी में आ कौन रहा है, या फिर आप किसी और से जुड़े हो क्या। ठीक है, मतलब ये कोई भी परिस्थिति में आपको ऐसे छोड़ देना नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा नहीं करना चाहते कि चलो ठीक है तुम्हारा लाइफ है जी लो, कोई भी सिचुएशन में वो आपके साथ वो चीज़ नहीं करना चाहते। उनका दिमाग में थॉट ये है कि कोई भी सिचुएशन हो तुम बस मुझे ही देखते रहो इस तरीके से। ठीक है, एक कभी कभी होता है सिचुएशनशिप, आजकल एक वर्ड चला है सिचुएशनशिप, तो मुझे ज़्यादातर वही चीज़ दिख रही है कि सिचुएशनशिप के हिसाब से आपके पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहेंगे। सिचुएशन मतलब आजकल एक जेंजी का जमाना चला है कि रिलेशनशिप नहीं रहना है लेकिन रिश्ता रखना है, कुछ
कांटेक्ट रखना है और अपने सुविधा के अनुसार रिश्ता रखना है, और असुविधा अगर होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कुछ दिन तक रिश्ते को टर्मिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, दूर हो जाना है। ये सिचुएशन सिर्फ आजकल जेंजी ओ का ज़माना है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ लोगों का होता हुआ दिख रहा है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आके रिश्ता बना के फिर कुछ टाइम ब्रेक लेके, ये सब वो मुझे चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। नेक्स्ट 12 आवर्स में मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली उनको बहुत कंफ्यूज्ड करवा सकती है, या फिर शादी को लेके अगर उनको डिसीजन लेना है, उनको क्या करना है क्या नहीं, वो उस मामले में थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको कोई सही रास्ता तो नहीं दिखाएगा, उनको तो अलग थलग रास्ता ऐसे ही दिखाएंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत उनको लोग कंफ्यूज करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग उनको टेंशन देने वाले हैं, जो कि उनका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पर्सन के एक्शन क्या रह सकती है अगले 12 घंटे के अंदर। आपके पार्टनर की क्या एक्शन रह सकती है, क्या एक्शन वो लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, ओह माय गॉड, ओके, वॉन्ड्स के ही कार्ड आ रहे हैं, तो पेंटिकल्स। बात होगी अगले 4 to 5 आवर्स के बीच में, आप दोनों की जरूर बात होगी, कांटेक्ट होगा आप दोनों का, ठीक है, इतना जरूर मैं गारंटी देके बोलूंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मतलब अगर आपके पर्सन कुछ समझते नहीं थे, आपको लग रहा था बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चाहे वो वो कहीं ना कहीं आपसे या तो शादी की बात करेंगे, या तो आपके साथ एक्शन की बात करेंगे, कुछ ना कुछ वो बात आपसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, डोंट वरी। और आपको जो स्विच वर्ड मैंने पर्सनल रीडिंग पे दिया था, जो लोग देख रहे हो, तो आप उस स्विच वर्ड पर्सनल रीडिंग पे वो स्विच वर्ड को आप ज़रूर चैंट करो, उसको यूज़ करो। कम्युनिकेशन आज के दिन आपका डेफिनेटली हो जाएगा, आज के दिन आप लोगों का डेफिनेटली कम्युनिकेशन होने का काफ़ी अच्छा दिन है, तो मुझे तो लग रहा है कि कम्युनिकेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी, शादी तक बात जाएगी या फिर रियूनियन तक बात जाएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अच्छा ज़रूर होगा, अगर पॉजिटिव अच्छा सोच के चलोगे तो। सुबह ही अगर मन बना लोगे आज भी बात नहीं होगी तो नहीं होगी, सुबह से मन बना के चलो कि हो जाएगी बात, क्योंकि ये मेरे बिना कितना दिन रहेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव अफर्मेशन डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले रीडिंग पे, बाय।